हेलो एवरीवन, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश। गोहैश में स्पेशल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मॉनसून्स और कोविड-19। क्या मामला है मॉनसून्स और कोविड-19 और हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, आइए देखते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून्स और कोविड-19। कोविड-19 शुरू हुआ समर्स के टाइम पे, अब ट्रांजिशन होते जा रहा है मॉनसून के अंदर। मॉनसून के साथ कोविड-19 को जोड़ने का एक ही मकसद है कि मॉनसून जब भी आता है या जब भी एक वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट। और मॉनसून जो मामला है बारिश का है, ठंडी हवाओं का है, तो आपको अक्सर कॉमन कोल्ड, कॉफ, स्नीजिंग और यू नो चेस्ट में जो ना बलगम सा जमा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हैरत की बात ये भी है और कोइंसिडेंस भी है कि कोविड-19 के भी सारे जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल सेम है, यानी कॉमन कोल्ड, फ्लू, कॉफ, बुखार। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि मैं कोविड का मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं या मेरे मुझे कॉमन कोल्ड है या मॉनसून का जो इफेक्ट होता है वो हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करें और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल को बताएं और बहुत ही केयरफुल रहें, अपनी बीमारी को अपने हद तक ना रखें, आपसे गुजारिश की जाती है। क्योंकि लास्ट मोमेंट ये हो जाएगा, आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा बलगम से भर जाएगा और कहीं आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको लास्ट मिनट पर जब हॉस्पिटल में रश किया जाएगा, हॉस्पिटल्स में आपको बेड नहीं मिलेंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन आपको नहीं मिला, तो आपकी मौत भी हो सकती है। और अगर आप इनकेस अगर पॉजिटिव रह जाएंगे अगर टेस्ट करने के बाद, तो फिर आपके घर वालों को प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, तो ये चेन बढ़ती जाएगी। तो आपको अगर कहीं ना कहीं सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ही अपने आप को आइसोलेट करें और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में बात करें, टेलीमेडिसिन लेने की कोशिश करें। अगर मामला रिजॉल्व नहीं हुआ तो तब जाके आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पर बात कर सकते हैं। इसको चलते हमने यहाँ के गुलबर्गा शहर के बहुत ही यू नो वेल नोन डॉक्टर से हमने बात की, जिसमें हम आपको वो बात सुनाने वाले हैं, जिसमें हमने बात की डॉक्टर ओवेस, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और काफ़ी बड़ा रोल उनका होता है इन छोटे बच्चों को देखने करने के लिए। उनसे भी हमारी बात हुई और डॉक्टर दयानंद सागर जी से हमारी बात हुई, जो कि यूनाइटेड हॉस्पिटल से हैं। दोनों की बातों को आप गौर से सुनिए और वो क्या बताना चाह रहे हैं और उनके हॉस्पिटल में उन्होंने किस तरह से टेक केयर की है वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल वालों को भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, हर एक पेशेंट उनके लिए कोविड पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि एक आध भी अगर इसमें हॉस्पिटल में कोई कोविड केस निकल जाता हो तो बहुत बड़ा मामला होता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर डॉक्टर कोई डॉक्टर हो जो असिम्प्टोमेटिक हो, करियर हो, तो वो एक सुपर स्प्रेडर बन सकता है, यानी कि उसके पास पेशेंट आते रहते हैं, अगर वही असिम्प्टोमेटिक है, अंदर बीमारी है, वायरस अंदर है और लेकिन सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं वो, तो वो सिर्फ मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है एंड वी यू नो सल्यूट दी प्रोफेशन ऑफ द डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें हम सल्यूट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमने डॉक्टर से बात की वो एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उवैस अहमद, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। दिस इज माय क्लिनिक, अहमद चिल्ड्रंस क्लिनिक। We have divided two section of patients. One is patient without fever, without respiratory system, are allowed to stay in the first floor. And patient with respiratory symptoms, with fever, we see them on the first floor. As the patient comes to the OPD, before entering into the hospital, we check the patient's temperature, pulse oximeter, and the weight. If the child is having breathlessness, if the child is having fever, cough of duration of 10 days, and comes from a containment zone, we don't allow the patient to come inside the hospital. Then, what we do is, if we have a suspicion, if we suspect corona infection, we call the district administration. District administration is helping us tremendously. The parents and the child doesn't go to the gyms. The mobile van comes here and takes a swab. And then we treat the patient and we send them home. If it's positive, then the district administration takes over. This is how we divide non-COVID and COVID patients. All the vaccination patients which are clean,
they come to the ground floor. Those who are having fever and respiratory system, they go to the first floor. This is the demarcation, and you can see how we have demarcated between the doctor and the patient. There is demarcation here. We see the patient without any contact. Now we see a lot of cough and cold patients during this season. Usually throughout the year, in this season we see a lot of cough and cold patients. Now, how to differentiate between seasonal cough cold and suspected corona COVID patient? The main, according to me, it's very difficult, but still absence of fever and only cough and cold and past history of infection during this season, this month, I am little relaxed that it can be an allergic cough and cold. If the child has fever, cough and comes from a containment zone and a history of contact, history of travel, any returnee coming from other state in the family, then we have a suspicion of COVID. That is how we differentiate between seasonal cough, cold, flu and a corona flu. It's a demarcation. It's very difficult, but still these are the points which we keep in mind. यूजुअली वो जो बताए सिम्टम के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पहला लीजिए कोविड का, कोविड 19 का जो भी है, पहला मैं सिम्टम्स बोल देता हूँ. सिम्टम्स कोविड 19 में इनवेरिएबली हाई ग्रेड फीवर रहेगा, दूसरा ड्राई कफ रहेगा, और तीसरा क्या है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हम, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा. ये तीन क्लासिकल ऑफ कोविड रहेगा हमेशा, ये पहले से भी अभी भी ऐसा है. मौसम चेंज हो तो क्या उसका सिम्टम्स नहीं बदलता है कोविड का. जो भी है ट्रैवल हिस्ट्री उनको सिग्निफिकेंट बोलते हैं. 3 वीक से 2 वीक से कहीं से आया ना, महाराष्ट्र ट्रैवल हिस्ट्री है ना, तेलंगाना ना, कुछ हैदराबाद गुजरात ऐसा है, वो भी एक सिग्निफिकेंट ट्रैवल हिस्ट्री रहता है. और अभी केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक पेशेंट के कांटेक्ट में आने का चांसेस रहता है, एक्सीडेंटली या नोइंगली अननोइंगली. अगर आपका वेलविशर जो भी एक्सपोज हो जाओ, आप आने का चांसेस रहता है. ये दो हिस्ट्री और पहले का मैं बोला हूँ, फीवर, ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दिस एक क्लासिकल ऑफ कोविड का रहता है. अभी सीजन की वजह से क्या है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है. अभी ठंडा हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाता है, ठंडा थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, ठंडा पूरा ये हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है. कॉमन कोल्ड में यूजुअली क्या होता है, फीवर नहीं रहता है. कॉमन कोल्ड में देखो फीवर नहीं रहता है, कफ रहता है तो कोई मिनिमल कफ रहता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोले ना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब कुछ नहीं रहता है. यूजुअली क्या होता है, रनिंग नोज रहता है, रनिंग नोज रहता है, और गले में थोड़ा अटकने जैसा जैसा डिफिकल्टी, वो गले में थोड़ा सोर थ्रोट बोलते हैं, वो रहता है. और एक बात ये हुआ कि नेक्स्ट बोलते हैं फ्लू, बोलते हैं फ्लू, फ्लू कॉमन कोल्ड. फ्लू में क्या होता है, यूजुअली फ्लू में फीवर रहता है, ड्राई कफ या प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं. उसमें क्या होता है, आप बलगम निकलने का चांसेस, स्पूटम यूजुअली येलो या ग्रीनिश, वो स्पूटम रहता है. और थर्ड बात क्या है, उसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, वो सांस लेने में दिक्कत होना यूजुअली नहीं रहता है. जो भी आपको फीवर आया, जो भी आपको सांस लेने में तकलीफ हुआ, गले में दर्द हुआ, यूजुअली आप नियरेस्ट फैमिली फिजिशियन नहीं तो नियरेस्ट जो भी क्लिनिक को जा सकते हैं और हिस्ट्री पूछ सकते हैं. हर एक को फीवर आया और गले में दर्द हुआ, कोल्ड आया बोले तो कोविड ही नहीं रहता है, उसका अलग ही तरीका रहता है. आप जितना भी नेट पे पढ़ा होगा और पेपर में न्यूज़पेपर में देखता होगा, फिलहाल वो आप पढ़े तो भी डॉक्टर से मिलना, क्लिनिकल एक ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है. उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर्स के जो सुझाव थे, उनके जो आइडियाज़ थे, आपको समझ में आए होंगे. और आने वाले वक्त में बहुत सारे डॉक्टर्स से हम बात करते आएंगे, क्योंकि मानसून तो ये मामला एंटर तो होते जा रहा है, और कई के नए चीज़ें भी आइडेंटिफाई होकर बाहर आती जा रही हैं और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं. तो आपसे गुजारिश ये की जा रही है कि आप अपने घर पर रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ. ये जो बात बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमारी जो है अलग अलग शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है. गुलबर्गा शहर के अंदर कंटेनमेंट जोन के बारे में उन्होंने बताया कि फिलहाल तो 4 ही कंटेनमेंट
जोन सिटी के अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे जो केसेस थे वो माइग्रेंट के केसेस थे, लेकिन अब जो सिटी के अंदर केसेस आ रहे हैं वो अलग अलग एरियाज़ के भी आ रहे हैं जिनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। तो आपसे गुजारिश की जाती है वंस अगेन कि आप अपने घर पर रहें, एसेंशियल चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें वरना ना निकलें। देखते रहिए GoHash, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।